नमस्कार, आप सभी का विज्ञान घर सीजन 2 के 9वें दिन में स्वागत है। दिस इज करुणा विहान रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम द कैंपस ऑफ वेद इंटरनेशनल स्कूल सिवाया रुड़की रोड मेरठ। आज दैनिक दिनचर्या से हट के एक साइंस एग्जीबिशन रखी गई जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो आइए चलिए ले चलती हूँ मैं आपको अपने को एंकर के पास ऐश्वर्या गोले। जैसा कि आप देख सकते हैं आज वेद इंटरनेशनल स्कूल सिवाया मेरठ में बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल्स की प्रदर्शनी लगाई हुई है। बच्चों ने ये मॉडल्स अभी तक के दिनों में ही बनाए हैं विदाउट इंटरनेट सोर्सेज, विदाउट एनी पर्सन्स हेल्प। बस बच्चों ने खुद ही अपने आपसी सहयोग से ये मॉडल्स तैयार किए हैं। तो आप उन्हें देख सकते हैं और आइए देखते हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चे किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स। इससे सर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सकता है। माय नेम इज श्वेता चौधरी एंड माय प्रोजेक्ट इज़ ऑन नैनो टेक्नोलॉजी एंड सर इसमें नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया गया है। तो नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 10^9 नैनोमीटर की रेंज में होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ अपने पेरेंट कंपाउंड जिनसे बनते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो आजकल नैनो पार्टिकल्स डिटर्जेंट, सनग्लासेस, सनस्क्रीन्स इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली वाटर में जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में, और फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड में जाएंगे एंड इनडायरेक्टली वो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो सर ये 1 ईयर का पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ है और इसमें नैनो पार्टिकल्स को आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किया गया था सर जैसे इसमें, और फिर सर इनको ऑटोक्लेव वगैरह करके फिर टिश्यू कल्चर किया गया था। तो वो टिश्यू कल्चर जो मूंग दाल होती है और जो बाजरा होता है इन दोनों प्लांट्स में किया गया था। ये आर्टिफिशियली लैमिनार एयर फ्लो चेंबर में ग्रो किए गए ताकि कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो सके इनके अंदर, और फिर उसके बाद अलग अलग कंसेंट्रेशन पे नैनो पार्टिकल डाले गए। एक कंट्रोल टेस्ट ट्यूब थी सेटअप पूरा और बाकी में 10 PPM, 20, 50 और 100। तो इस प्रोजेक्ट का बेसिकली मेन एम ये था कि ये किस कंसेंट्रेशन पे हार्म शो कर रहे हो, किस कंसेंट्रेशन पे बेनिफिट कर सकते हैं। तो फाइनल जो इसका रिजल्ट 1 साल बाद सारी रीडिंग्स कंपाइल करके आया था उसमें था कि 20 PPM तक ये कंसेंट्रेशन मतलब हार्म नहीं कर रही है कंट्रोल प्लांट के कंपैरिजन में, बट जब ये 50-100 तक पहुंच गई तो प्लांट की शेल्फ लाइफ कम हो गई थी, वो ज़्यादा टाइम तक ग्रो नहीं कर पाया, क्लोरोफिल कंटेंट कम हो गया था और वो बहुत ही कम ग्रो कर पाया। तो सर फाइनल रिजल्ट ये था इसका। सर जो मूंग दाल का प्लांट होता है जो विग्ना रेडिएटा और सॉर्गम बाइकलर जो बाजरा होता है, यस सर। और सर ये सारे नैनो पार्टिकल्स के मॉडल्स हैं, आजकल ये कैंसर में भी यूज़ हो रहे हैं कीमोथेरेपी के लिए। सर ये नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड का पार्ट है ना, नैनो पार्टिकल्स का यूसेज। क्योंकि सर इसमें जो नैनो जो पार्टिकल्स थे वो 10^9 नैनोमीटर रेंज के थे। सर उनकी प्रॉपर्टीज जो पेरेंट कंपाउंड था ना इनको हमने जैसे प्रिपेयर किया था लैब में जो बीकर में सर पार्टिकल्स डाले और उनको मैग्नेटिक स्टिरर से कंटिन्यूसली डिसॉल्व कराते गए तो सर उन्होंने कोलोइडल सॉल्यूशन बना दिया था। सर ये मैंने सर मेरे सोचा तो बहुत पहले था लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था इसको बनाने के लिए। सर मैंने एक क्लीन गंगा के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारे कुछ श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं और डूब के मर जाते हैं। सर ये ऑटोमेटिकली सर वहाँ के जो कचरा होगा गंगा में वो ऑटोमेटिकली बाहर निकालेगा, अगर कोई डूब जाता है सर उसको भी बाहर निकालेगा, इससे कोई मरेगा नहीं, जनधन की कोई हानि नहीं होगी इससे सर, ना इसका कोई पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैम पुणे से आई हैं और लोग आए हुए हैं, डॉक्टर साहब उधर से आए हैं, बड़े सीनियर लोग हैं ये लोग। तो उन्होंने क्या किया
कि छह लोगों को अंदर एंटर करा दिया बेटा, वहाँ प्लांट्स लगा दिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए वो सब चीज़ लगा दी, बाहर से कुछ नहीं था उसका, मतलब एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम ऐसे सेल्फ सफिशिएंट बनाया गया। छः महीने में क्या, उससे पहले क्या हुआ, वहाँ दो ढाई महीने में ही बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इतना तेज़ी से बढ़े, ठीक है, जो इंसेक्ट्स वहाँ थे वो इतना तेज़ी से उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, सारा बेटा ऑक्सीजन सिस्टम वहाँ का कोलैप्स कर गया। आप ये समझिए, तो बायोस्फीयर 2 से फिर लोगों को दे हैड टू बी रेस्क्यूड आउट, उन्हें बाहर निकालना पड़ा। पहले छः महीने में नहीं रह पाने का सोचा था उन्होंने, दो ढाई महीने में उनका बेटा सफोकेशन हो गया उनको, आप समझिए। तो जबकि एनर्जी एफिशिएंट सारे उन्होंने मटेरियल्स यूज़ कर रखे थे, आप ये समझ रहे हैं। अभी लेटेस्ट क्या आया, जो टॉप सीईओज भी है ना कंपनी के, वो सब अपना ऑफिस छोड़ छोड़ के सब जंगल में ऑफिस बना रहे हैं अपना, आप ये समझिए, है ना। तो सब उनके ऑफिस ऐसी जगह बनाए जा रहे हैं जंगल में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ थोड़ा लेट ले जाते हैं बच्चों को नेचर में, ऐसे आपका यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर रहे, तो ऐसे बच्चों को नेचर क्लब में बाहर ले जाया जाता है, उनको वहाँ दिखाया जाता है कि कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट मटेरियल्स यूज़ करके करेंगे। अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। सर मेरा नाम है रोदास कुमार, मेरे मॉडल का नाम है स्मार्ट टॉयलेट। जैसे टॉयलेट हमारा वेस्ट चला जाता है तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यहाँ से टॉयलेट कलेक्ट करेंगे और ये हमारा प्लांट्स, जैसे घर में जी सर यूरिन वाटर सर, ओके सर, जैसे हमारा घरों में गटर होता है उस तरीके से हमने प्लांट बनाया है, इसमें हमारा यूरिन आएगा, यूरिन में हमारी इस प्लेट्स लगी हुई हैं, इसमें अलग अलग सेल बने हुए हैं, उनमें जिंक और कॉपर्स लगी हुई हैं प्लेट्स, इसमें हम जब यूरिन डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी मोटिवेट करने लग जाता है, प्लेट्स लगी हुई ऐसे एक, हाँ सर, इससे इसका एक सेल का वोल्टेज होता है 1.5 या 1, ये बैटरी के वोल्टेज का आधा निकालता है, क्योंकि उससे हाई वो नहीं होती, एसिड कम लो होता है उससे, वो एसिड ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इससे कम वोल्टेज से हमारा काम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हमने ज़्यादा सेल लगा लिया है। ऐसे सर्किट को बना के हमने माइनस और प्लस ये दो ले लिए हैं, हाँ सर, जैसे हमारी बैटरी होती है, बैटरी होती है बिल्कुल वही चीज़ सर। मैं अब सर आपको मीटर से चेक करा देता हूँ, देखो सर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, और मैं आपको LED जला के दिखाऊंगा, देखो सर छुड़ा देता हूँ ये सर। इस चीज़ को ध्यान में रख के ज़्यादा बनाया गया है कि हमारे आउट ऑफ एरिया हैं, वहाँ लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, हम इस इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट कर लेंगे कि एक स्टूडेंट LED बल्ब जला लेगा, आराम से पूरी रात पढ़ाई कर सकता है। और इसकी एक और खासियत है, 12 घंटे तक कंटिन्यूस जिस हिसाब से जली उसी हिसाब से जलती रहेगी, और 12 घंटे के बाद ये 48 घंटे तक जल सकती है, फिर उसका करंट आधा हो जाता है। अगर ये 12 वोल्टेज बना रही है तो 12 घंटे तक 12 बनाएगी, कंटिन्यूस बनाएगी, उसके बाद जब ओवर टाइम हो जाएगी तो उसके वोल्टेज आधे हो जाएंगे। एंड लास्ट ट्रिप आई वेंट टू कैलिफोर्निया लास्ट ईयर, इट वाज ऑल टेस्ला मोटर्स, आई कुड सी सो मेनी कार्स। प्रॉब्लम नाउ दे आर फेसिंग इज चार्जिंग एंड ऑल, बट दे विल चार्जिंग स्टेशंस पे बहुत भीड़ हो जाती है, बट नाउ इट इज becoming quite common and they are resolving good. मोस्टली बच्चों के मतलब इंजरी हो जाती है तो ये उसी समस्या को दूर करेगा। तो एक बार ये हादसा मेरे साथ भी हुआ था, तो उसी समस्या को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट की मदद से मतलब हम टॉर्च की मदद से दूर से ही फायर कैगाओ को इग्नाइट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये नाइक्रोम वायर है तो यहाँ पे हम मैच स्टिक या बिना मैच स्टिक के भी चल सकता है, तो मतलब मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि ऊपर टेंट लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस पर टॉर्च ऑन कर दिए, तो ये ऐसे वर्क कर सकता है, हाँ दूर से, हाँ। और मैंने इसका एडवांस मॉडल भी बना लिया है, पर उसके लिए मैंने इसको पेटेंट का फॉर्म भर दिया है उसका। नहीं मैम उसका मेरा ये इसका मतलब इसको दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे आदमी नहीं जा पाते वो होते केमिकल्स होते हैं और इन्फेक्शन होते हैं और बायोडाट वेस्ट होते हैं और हॉस्पिटल में से जो भी वेस्ट निकलते हैं तो वहाँ पे लोग नहीं आ पाते, तो उसकी मदद से वो उनके भी फायर क्रैकर में आग लगा सकता है। नहीं कॉस्ट मतलब 500 से नीचे ही है जी इसमें, नो बस एक IR LED लगी है, LDR लगा हुआ नहीं, IR LED रिमोट वाली जो होती है रिमोट, हाँ LDR नहीं वो इंफ्रारेड LED है ना, हाँ। वाओ क्या मॉडल्स थे वो,
आई नो आप सभी का भी यही रिएक्शन रहा होगा जब आपने वो मॉडल्स देखे होंगे और बच्चों को उन्हें डेमोंस्ट्रेट करते हुए देखा होगा। अब आइए चलते हैं, देखते हैं क्या बताती है ऐश्वर्या उन मॉडल्स के बारे में और हमारे आज के इवनिंग कल्चरल फंक्शन के बारे में। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं लीना बोखिल मैम, जो नासा में साइंस कम्युनिकेटर हैं। उन्होंने बच्चों को नासा के बारे में बताया, स्पेस से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग और फैंटेबुलस जानकारियां दी और उन्होंने बताया कि स्पेस में दैनिक दिनचर्या के बारे में आए हमको अवगत कराई। तो आइए देखते हैं। Even my friends, my peers, they work hard. But what happens in my case is, I don't look at time. In the sense, my friends or professional group, I'm a NASA educational partner. So it is daytime there, yahan raat hai, wahan din hai. But I keep sending emails, I get emails, I read them. I don't say that it is late in the night, so I should not work. 12 o'clock or so. I'm always available for the students who ask their doubts, Facebook, Messenger, or emails. They keep calling me up, or they do WhatsApp call or like that. But I don't say that it is now very late at night and I'm not attending your phone calls or your queries. So hard work, yes, you all must do. There is no substitute. इसके लिए तो कुछ सब्सटीट्यूट है ही नहीं। 9 to 5 जॉब्स मेनी पीपल आर डूइंग, दे आर डूइंग मोर देन दैट, 10 hours, 12 hours, बट एंड ऑफ द डे दैट प्लस व्हेन यू पुट पैशन इनटू इट, व्हेन यू पुट हार्ड वर्क ऑल योर यू नो एलिमेंट्स एंड देन यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। सो साइंस इज फन। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए दिस वॉज करुणा विहान रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम द कैंपस ऑफ वेद इंटरनेशनल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। धन्यवाद। विज्ञान घर की गतिविधियों को देखने के लिए, उनसे अवगत होने के लिए, अपडेट होने के लिए हमारे चैनल विज्ञान आओ करके सीखे को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और जो 24 घंटे लाइव है 24/7 उसे देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। धन्यवाद।